नमस्कार, मैं हूं दिबांजलि मोइत्रा। बॉलीवुड में ग्रीक गॉड के नाम से मशहूर ऋतिक रोशन और बॉलीवुड की खूबसूरत एक्ट्रेस दीपिका पादुकोण के फैंस के लिए बड़ी खुशखबरी सामने आई। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो दोनों एक और बड़ी फिल्म में साथ नजर आने वाले। जहां हाल ही में इनकी फिल्म फाइटर का ऐलान हुआ है, वहीं जल्द ही ये दोनों सितारे एक बड़ी फिल्म में एक साथ नजर आ सकते हैं। दरअसल ऐसी खबरें सामने आ रही हैं कि प्रोड्यूसर मधु मंटेना एक बड़े बजट के साथ रामायण बनाने जा रहे हैं। ऐसा भी कहा जा रहा है कि इस फिल्म में ऋतिक रोशन और दीपिका पादुकोण मुख्य किरदारों में नजर आएंगे। बताया जा रहा है कि ऋतिक रोशन जहां भगवान राम के किरदार में नजर आएंगे, तो वहीं दीपिका सीता के किरदार में दिखेंगे। हालांकि फिलहाल दोनों ही स्टार्स की तरफ से कुछ भी ऑफिशियल अनाउंसमेंट नहीं की गई। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो प्रोड्यूसर मधु मंटेना 300 करोड़ रुपए से भी ज्यादा के बजट में 3D रामायण बनाना चाहते हैं। इसके साथ ही रामायण एक बहुत बड़ा महाकाव्य है, जिसे 3 घंटे की फिल्म में समेट पाना आसान नहीं। इसीलिए मधु मंटेना इस फिल्म को 2 भागों में पर्दे पर उतार सकते हैं। वहीं इस फिल्म का डायरेक्शन नितेश तिवारी कर सकते हैं। याद दिला दें कि कुछ वक्त पहले ही मधु ने अनुराग कश्यप, विक्रमादित्य मोटवानी और विकास बहल से फैंटम फिल्म के शेयर्स खरीदे थे। यहाँ आपको एक और बात बता दें कि रामायण पर ही डायरेक्टर ओम राउत भी अपनी फिल्म आदि पुरुष लेकर आने वाले हैं। पिछले साल इस फिल्म का ऐलान किया गया था, जहां फिल्म में प्रभास राम के रोल में दिखाई देंगे, वहीं सैफ लंकेश का किरदार निभा रहे हैं। इसके अलावा सुनने में आ रहा है कि इस फिल्म में सीता के रोल में कृति सैनन नजर आएंगी। इस फिल्म का बजट 400 करोड़ बताया जा रहा है। लेकिन अब दंगल फेम डायरेक्टर नितेश तिवारी और प्रोड्यूसर मधु मंटेना भी बड़े पर्दे पर रामायण लेकर आ रहे हैं, जिसे लेकर अब बॉलीवुड में हर तरफ हलचल मच गई। बता दें कि मधु मंटेना ने पिछले साल महाभारत बनाने को लेकर भी ऐलान किया था, जिसमें दीपिका पादुकोण द्रौपदी का किरदार निभाने वाली थी। लेकिन कुछ दिनों पहले ही खबरें सामने आई हैं कि ये फिल्म फिलहाल होल्ड पर चली गई और अब प्रोड्यूसर मधु मंटेना रामायण पर काम कर रहे हैं। वैसे आप राम और सीता के रोल में दीपिका और ऋतिक को देखने के लिए कितने एक्साइटेड हैं, हमें कमेंट करके जरूर बताएं।